अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इसराइल जॉइंस इंडिया टू सेलिब्रेट 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो देखते हैं वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। Based on the history of our two ancient civilizations, India and Israel share a great strategic partnership. The love and respect between our people go beyond diplomacy. Israel ketaraf sesabi baharat vasiyu ko gantantra divas ki hardik shubkamnai. Most sari shubkamnai. सारे भारतीयों गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सगना गणतंत्र दिवस की यात्रा में शुभकामनाएं। शुक्र के जनाए प्रजातंत्र दिवस है। अपना सर्वाना राजस्थान मराठी निनेचा हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद। हिंदुस्तान को यौम ए जम्हूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद। अपना को खोले के गणतंत्र दिवस को भी से गई फूल कोरिलो। जय हिंद। हर जुबान में बोल रहे थे भाई। और सब भाइयों को फिर से रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा गुजरा आपका दिन कल का, जरूर कमेंट्स में बताइए, क्योंकि कल सभी का ख्याल सारा का सारा भाई रिपब्लिक डे पर था और काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। काफी एक भाई सेलिब्रेट भी उन्होंने काफी पुरजोश से किया। जहरी बात है, अब अगेन अगेन वो वीडियो देखने का भी दिल करता है भाई। जैसा कि एक हर चीज परफेक्ट थी और इतने भाई रश ही काफी था, आवाम का भाई समुंदर उधर उल्टा हुआ था। उल्टा हुआ था ऐसे। लेकिन इसराइल की अगर बात करें तो भाई वो बहुत प्रीफर करते हैं इंडिया को ना, बहुत ज्यादा ही जो है ना वो बहुत खुशी फील करते हैं यहाँ पे आने के लिए, यहाँ का कल्चर सीखने के लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा अपने आप को गर्व के तौर पे जो है ना वो देखते हैं। और हम देख भी रहे हैं भाई डिफरेंट लैंग्वेज, बल्कि जो भी यहाँ पे आते हैं ना एम्बेसिडर या जो भी इससे रेलिवेंट होता है अमला सारा, तो उसको काफी शौक होता है इन चीजों के ऊपर। हम यहाँ पे जिस कंट्री में आए उसका कल्चर सीखें, उसकी लैंग्वेज के ऊपर उनको जो है ना वो बहुत ज्यादा फोकस होता है और सीख भी रहते हैं। और मतलब एक बड़े बड़े अच्छे लगते हैं जब वो मतलब हमारी जुबान बोलते हैं ना, क्योंकि हम काफी देर यहाँ पे एक जर्मन था, जर्मनी का इधर हमारे इधर आया हुआ था एक, तो वो काफी देर रहा, तकरीबन 2-3 साल रहा। लेकिन ये कि उसने बहुत ज्यादा कोशिश की पाकिस्तान को पॉजिटिव दिखाने के लिए, या मतलब वो कोशिश करता था कि मैं ना बहुत सारी चीजें पॉजिटिव तौर पे जो है ना, क्योंकि इनका भी यही फोकस होता है कि हम पॉजिटिविटी जो है ना जितनी हो सके आपने वो दिखाएं। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा बूढ़ा ज्यादा हो गया था, फिर उसको जो है ना वो छोड़ना पड़ा, काम याद ना हो सका, फिर भी दिखाने दिखाने उसने अपने तौर से। तो लेकिन जब वो यहाँ से गया था ना
तो इधर से वो ये लेके गया था, रक्षा होता हमारे पहले चलता था एक, वो लेके गया, वो पुराना कावासाकी का जो है ना वो मोटरसाइकिल होता था, अच्छा वो यहाँ से फिर वो लेके गया हाँ और एक शराब का साइकिल लेके गया उसको मिलना भी यहाँ से यही था। कैसे लेकर गया, जहाज में रख कर? नहीं, पैदल चला गया था, डंकी मारी उसने। शायद मैंने बोला नहीं उसको, मैं काफी देर उसको जो है ना वो फॉलो करता रहा, लेकिन अब वो कभी नजर नहीं आया, और जब से ये वो यहाँ से वो रक्षा चलाता होगा वहाँ। नहीं उसको मैंने तो नहीं देखा, कौन सा था बुरा? मैं भाई बताऊंगा आपको, उसको इतना कंगाल कर दिया इधर, इनने जाकर वहां सवारियां छोड़ता है, वो जो भी कोई चीज अच्छी लगती थी उसके ऊपर जाके ऐसे करता था ऐसे। वो अब आपको शायद आ गया होगा याद, नहीं आपको नहीं पता, मैं उसको अब तो खैर दो साल से उसको नजर नहीं आया, नहीं आया, वो छुप गया भाई, वो चांद पर चला गया। चलो खैर, लेकिन यहाँ पर जो उनका भाई उन्होंने विश किया है ना, बहुत अच्छा फील हुआ बिल्कुल भाई। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।